बहुत जन ने कंप्लेंट की, बहुत बार इन्होंने समझाया इतने अंदर जो इलीगल काम चलते रहे हैं। बिल्कुल रूम है जी, सारे रूम ही बने हुए हैं। कि कहते कुछ टाइम लिए घंटिया के हिसाब नाल, मंथ के हिसाब नाल, मंथ के हिसाब नाल तो बहुत घट दिंदा सीगा, घंटिया के हिसाब नाल, दिनों के हिसाब नाल रूम प्रोवाइड करता। पूरी राहत होगी जी महला निवासियों, क्योंकि महल की जो गंद है या आप कहिए धब्बा है, वह साफ होगा। सत श्री अकाल, पंजाबी लोक चैनल देख रहे हो, मैं सतनाम सिंह हाँ, मामला लुधियाने तो हाँ, जिथे कि एक पी जी जो कि रेजीडेंशियल एरिया दे विच चल रहा सी, मोहल्ले दे लोकां दे वल्लों शिकायत करन ते गलाडा दे अधिकारियां दे वल्लों अज उस नूं सील कर दिता गया। पी जी दे विच रहण वाले जिहड़े लोग सी उन्हां नूं एक घंटे का समां दिता गया अपना समान चुकण दे लई, पर मौके दे उत्ते पी जी दे मालक मौजूद नहीं सी। गलाडा दे अधिकारियां दे दसन मुताबक मालकां ने अजे तक अपना पक्ष भी नहीं रखिया, पर आस पास के जिहड़े लोग ने उन्हां दे दसन मुताबक पी जी दे विच कुछ नाजायज़ काम भी चल रहे सी, ते इस पी जी दे विच कुछ घंटिया के हिसाब नाल भी कमरिया नूं किराए दे उत्ते दिता जांदा सी, जिस दे चलदिया कार्रवाई करदिया होया अज पी जी नूं सील कर दिता गया। पर जदों तस्वीरां देखदे हां तां उस दे विच सामने आउंदा है कि एक बोर्ड लग्या होया पी जी दा, जिस दे उत्ते किसे नाम करके रेजीडेंसी लिखिया होया, ते उस दे नाल ही रूम्स अवेलेबल हेयर ये भी लिखिया होया, ते सब तो उत्ते देखण वाली गल हुंदी है कि तन तन बाबा दीप सिंह जी भी लिखिया होया, तो यह भी एक समाज का पक्ष निकल के सामने आता है कि जो लोग गैर कानूनी काम भी करते हैं तो उदे उत्ते भी ज शहीदां दे नाम लिख देंदे आ, जां परमात्मा का नाम लिख देंदे आ, जां धार्मिक चिन्ह भी उकरे जाते हैं। शायद लोग गैर कानूनी काम करन तो पहला भी अजिहा सोचते होणगे कि जेकर अजिहा करांगे परमात्मा का नाम लिखांगे शहीदां का नाम लिखांगे तो शायद साडे गुनाह माफ हो जाएंगे, पर अजिहा बिल्कुल नहीं हुंदा। ते हुण लोकां दी शिकायत दे चलदिआं इस पी जी नूं जिथे गलाडा दे अधिकारियों ने आके सील ला के बंद कर दिता है, तो उस दे नाल ही यह भी कहा कि हुण इस थां दे उत्ते कमर्शियल काम नहीं किया जा सकेगा। जेकर इस पी जी दे मालक चाहणगे कि इस नूं रेजीडेंशियल इमारत दे तौर पर वरत्या जा सके तां उह इस दे बारे विच अपील कर सकदे ने। ते की कहना है इस बारे विच अधिकारियों दा ते लोकां दे इल्जाम की सी उह भी तुहानूं सुणा दिंदे आं। ऑर्डर भी उस चुके से बेदखली के नोटिस एनू इशू हो चुके से, अज असं कार्रवाई करना आए थे, इनू अपना सील करना आए थे, तो खाली करवा आए सर। मौके के मालक मिले तुम? मौके के मालक है नहीं सके, तो मौके से उन्होंने ना तो कोई स्टाफ का मैंबर से, सिर्फ प्रॉपर्टी ये सर ये भी कि अनलीगल पी जी चल रही थी इतने। हाँ जी पी जी चल रही थी अपने ये लखविंदर कौर के नाते जी, अपने 400 बैड अंदर कमरे ये 27 बने हुए जी, जो उन्होंने अपने इन्हों 9 कमरे लॉन्च से 18 ओपन से। सर मुख्य संचालक कौन सी है? मौके पर इस बारे हूँ मौके पर कोई भी नहीं मिले, तो प्रॉपर्टी हैगी अपने किसी वालों कोई कंप्लेट भी सी सर? कंप्लेंट है दी पहला दी गई हुई सी, दफ्तर के कंप्लेंट भी गई हुई सी, तो बाकी इन्हें पहला भी काफ़ी अपने पुलिस के खिलाफ भी काफ़ी शिकायत हो चुकी हैं। तो इन्होंने पहला नोटिस भी दिता गया सी सर कोई? हाँ जी नोटिस भी दे चुके हैं इन्होंने, क्योंकि इन्हों की अलॉटमेंट भी कैंसल आते, अपना बेदखली का नोटिस भी होया हुआ। बाकी हूँ असं ये सील करके जा रहे हैं, हम देखो ये अगे की प्रोसीजर। नोटिस कटे पिछले कितने साल तो नोटिस जा रहे थे इन्होंने? नोटिस इन्हों पिछले कई सालों तो जा रहा है, मेरी भी इस एरिए नवी ड्यूटी लगी सी, करके हूँ असी जो सी अपने कानून के अकॉर्डिंग कार्रवाई बनती सी करती है। कार्रवाई उन्होंने बारे फोन से गलबात हुई सी, पर मौके पर मौजूद नहीं है, तो हूँ जो भी अगे उन्होंने अपना सीलिंग हटानी है या कुछ भी करना उस संबंधी दफ्तर के अपील कर सकते हैं, या पी जी को अपना यह बंद करके फिर तो रेजिडेंशियल जे कन्वर्ट कर लेंगे फिर ये अपने फिर तो डीसील किया जा सकता, उस तो पहला ये कोई भी इतने अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकता ना ये सील तोड़ सकता। अपना नाम की किस अहुदे से? मेरा सुखविंदर सिंह है, जूनियर इंजीनियर। जिस तरह इतने अंदर जोड़े इन्हों के कस्टमर से रह रहे थे, तो उन्होंने जो समान वगैरह पाया, बड़े वीडियो थोड़े वालों वीडियोग्राफी भी की गई है, तो उन्होंने समान चकवा दिता गया, दो कस्टमर से। हाँ जी कुछ भी नहीं है। ठीक थैंक यू। जो सके दो परसन उन्होंने समान असी खाली करवाता, उन्होंने टाइम देता घंटा, उन्होंने अपना समान चक के खाली करते दो कमरे। एक पी जी रेड हुई है,
ਔਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਸਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਹੱਲੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਨਲੀਗਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਵੱਜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰੇਡ ਵੱਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਈਵਨ ਪੁੱਟਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ PG ਟੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ PG ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਗੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ PG 'ਚ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਫਿਰ ਜੇ PG ਹੋ ਜਾਏ ਹੋਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਟ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਏਰੀਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ 32 ਸੈਕਟਰ ਏਰੀਆ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਵਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੱਪਾ ਸੀਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਂਟ ਵਾਲਾ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਗਵਾਹ ਆ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੂਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ ਰੈਂਟ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਮੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਧੱਬਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ